लाइव वीडियो क्लासेस। क्लास प्रेप टू के सारे बच्चों को मेरी ओर से गुड आफ्टरनून। और बच्चों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ आप लोगों का इंग्लिश का ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, जो कि यूट्यूब लाइव वीडियो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे लिया जाता है। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग इंग्लिश का ऑनलाइन क्लास एक बार फिर से शुरू करते हैं और ये हम लोग इंग्लिश का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। और ट्रांसलेशन में जो है आपका एक्सरसाइज 15 से लेकर के एक्सरसाइज 25 तक इस जून वाले और जुलाई वाले सिलेबस में आपको दिया हुआ है। तो बच्चों उसको हम लोग आज 16 एक्सरसाइज करेंगे। कल हम लोग 15 एक्सरसाइज किए थे, आज 16 एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 16 पेज नंबर 14, ठीक है, पेज नंबर 14। सिंपल तरीके से बताएंगे बच्चों को और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। बच्चों को सिंपल तरीके से बताएंगे और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए यूज ऑफ एन है, ठीक है, यूज ऑफ एन। एन देखिए, एन जो है, एन क्या है, एन आर्टिकल है और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एंड लगता है और ये वॉवेल लेटर से जो शुरू होते हैं वर्ड्स उनके पहले एंड लगता है, ठीक है। देखिएगा ट्रांसलेटिंग बहुत सिंपल। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, चलिए यहाँ पे हम एक मिनट के लिए होल्ड करते हैं आप लोगों को क्लास। तो चलिए बाबू शुरू करते हैं। यह एक गधा है, फर्स्ट है, यह एक गधा है। तो क्या हो जाएगा, दिस इज एन एस। अब देखिए एन एस क्यों हुआ, क्योंकि बाबू एस जो है वो भावे लेटर से शुरू हो रहा है। ए ई आई ओ यू से जो भी वर्ड शुरू होंगे वो भावे लेटर हैं, ए ई आई ओ यू, तो उनके पहले एन लगता है। वह एक बैल है, वह एक बैल है, वह एक बैल है, ठीक है, वह एक बैल है। एंड ऑक्स, अब देखिए दैट इज एन ऑक्स, वह एक बैल है, ठीक है, दैट इज एन ऑक्स। अब देखिए दैट का इस्तेमाल क्या होता है, दूर के ऑब्जेक्ट को या थिंग्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। दिस और दैट जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये संबोधित करने वाले सर्वनाम है, ठीक है, दिस और दैट। तो दिस क्या है, नज़दीक के थिंग्स और चीज़ों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, तो दर्शाने के लिए, और दैट जो है दूर के चीज़ों को। थर्ड में क्या है, यह एक चींटी है, यह एक चीटी। तो आप क्या होगा बाबू, चीटी क्या है, एंट, और एंट क्या है, वॉवेल लेटर है। तो दिस इज एंट, ठीक है। यहाँ पे पार्टीशन देंगे बाबू, यहाँ पे आ जाएगा तीन आपका वर्ड सेंटेंसेस, यहाँ पे बना लेते हैं। फोर में क्या है, वह एक उल्लू है, क्या है, वह एक उल्लू है। दैट इज एन आउल, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे हो गया दैट इज एन आउल। फिफ्थ में क्या है बाबू, यह सेब है, दिस इज एन एप्पल, क्या है, यह सेब है। देखिए
यहाँ पे यह सेब है, यह एक सेब नहीं है, लेकिन यहाँ पे एंड जो है वो अनवर्ड है, समझा जा सकता है। वह नारंगी है, डेट इज एंड ऑरेंज। वह नारंगी That is an orange. यहाँ पे कट गया बाबू थोड़ा सा। चलिए नीचे हाई हाउस को जा रहा है, फाइव तक ही बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से बनाइए बाबू। फाइव तक चलिए, अब आगे मिटाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हम डेट वगैरह लिख देते हैं ताकि बच्चों को समझ में आएगा जो बाद में जुड़ेंगे। चलिए एक बार फिर से लिख देते हैं, फाइव के आगे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, यहाँ 17,000 लोग रहते हैं। और स्क्रीन और नाउ नोन एज सिडनी इज द सेकंड बिगेस्ट टाउन और स्क्रीन बॉल, ठीक है। अब समझ यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 6,000 पीपल, यहाँ पर करीब 6,000 लोग रहते हैं। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री ग्रीन लैंड में कृषि और उद्योग की स्थिति क्या है? सिक्स नंबर स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंड, ठीक है। सिक्स नंबर सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, वहाँ नारंगी है। यहाँ की जमीन का बहुत छोटा हिस्सा जो दक्षिण पश्चिम में स्थित है, वह नारंगी है। That is an orange. केवल सच है तो टेंपल या ब्लू और यहाँ पर सब्जियाँ जैसे कि आलू उपजाया जाता है। इस प्रोसेसिंग की मेजर इंडस्ट्री ग्रीन लैंड, यह दवात है। मछली को प्रोसेस करके तरह तरह के खाने की चीजों को बनाना सबसे प्रमुख उद्योग है। इंक पॉट, दिस इज एन इंक पॉट। दिस इज एन इंक पॉट। एट नंबर में और वह छाता है, दैट इज एन अम्ब्रेला। यह गरुड़ है, दिस इज एन ईगल।
बना दिया है। इनहेबिटेंस मींस होता है ए पर्सन और एनिमल दैट लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस। एक व्यक्ति या जानवर जो किसी विशेष जगह में रहता है। आर्टिकल मींस होता है बिलोंग टू ईगल। न्यूजीलैंड ईगल यह गरुड़ है। वाह हाथी है। अपने हथियार को जिसका मुंह काफी तेज होता है धारदार होता है और एक रस्सी। दैट इज एन एलिफेंट। इसके पीठ पर जानवरों को मारा जाता है। मींस ए हाउस और स्नो मेड ऑफ स्नो और आइस बर्फ के बड़े और छोटे टुकड़ों से बने हुए घर। This is an elephant. जल्दी से बनाइए। जल्दी से बनाइए बाबू। स्टूडेंट्स आई एम स्टॉपिंग हियर फॉर ए वाइल फॉर फ्यू मिनट्स आई थिंक 1 to 2 minutes सो दैट यू ऑल स्टूडेंट्स कुड कंप्लीट योर वर्क बिफोर द टाइम फिनिशेस। ठीक है, यहाँ पे हम 1-2 मिनट के लिए रुक रहे हैं ताकि सभी बच्चे जो है क्लास ग्रेड 2 के वो वर्क को कंप्लीट कर ले। ग्रीनलैंड का 80% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। नो क्रॉप्स कैन ग्रो हियर ड्यू टू द कोल्ड क्लाइमेट। ठंडी जलवायु के कारण यहाँ कोई फसल नहीं उगा सकती है। वही एनिमल्स भी ठीक फली फूल्स और भी कैन भी विस्टैंड का एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट कैन सर्वाइव इन ग्रीनलैंड। जल्दी से बनाइए बाबू। 6 नंबर में क्या है? वह नारंगी है डैट इज एन और 7 नंबर में क्या है? यह दबाव है। दिस इज एन इंकॉर्ड। वह छाता है डैट इज एन अम्ब्रेला। यह गरुड़ है दिस इज एन ईगल। वह हाथी है डैट इज एन एलिफेंट। जल्दी से बनाइए बाबू। जल्दी से बनाइए अभी पिटाएंगे। Eleven number. Yeah, 8 hai. That is an ear. यह कुल्हाड़ी है। यह कुल्हाड़ी है।
दिस इज एन एक्स। वह अंडा है, दैट इज एन या अभिनेता है, या अभिनेता है। This is an actor. और last 16 exercise था और 16 questions भी हैं। या वह कलाकार है, वह कलाकार है। That is an actor. जल्दी से बनाइए बाबू। Come on students, write down. जल्दी से बनाइए, आपका क्लास ग्रेड टू का है, ये E2 क्लास का है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, एक्सरसाइज 16, पेज नंबर 14, यानी कि अभ्यास संख्या 16 है और क्विज संख्या आपका 14 है। पेज नंबर इज 14 एंड एक्सरसाइज नंबर इज 16। देखिए, एक्सरसाइज को अभ्यास बोलते हैं और पेज नंबर को हिंदी में क्विज संख्या बोलते हैं। 11 नंबर में है यह आँख है, क्या है 11 नंबर में? यह आँख है, दिस इज एन आई। 12 नंबर में क्या है? वह कान है, तो क्या हो जाएगा? That is an ear। यह कुल्हाड़ी है, 13 नंबर में क्या है? यह कुल्हाड़ी है, तो this is an egg। 14 नंबर में वह अंडा है, that is an egg। That is an egg। वह अभिनेता है, this is, यह अभिनेता है, this is an actor। वह कलाकार है, that is an आर्टिस्ट होगा, यहाँ पे गलत लिखा गया था। अभिनेता का मतलब एक्टर होता है और कलाकार का मतलब होता है आर्टिस्ट, जो आर्ट में आर्ट करता है, ठीक है। जल्दी से बनाइए बाबू, स्टूडेंट्स कम ऑन। होमवर्क में इसको बाबू फिर कॉपी में बना लीजिएगा आप लोग, फिर में नहीं तो कॉमन कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज 16, ये आपका जो है ट्रांसलेशन का, ये आपका सिलेबस में जो है जून और जुलाई का, वो एक्सरसाइज 15 से लेकर 25 एक्सरसाइजेस तक है। तो अच्छा है, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में जो है ट्रांसलेशन को आगे कर लेंगे। सो नाउ एट लास्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास प्रेप 2, all students of class prep 2, I would like to tell you all that this was all for your today's English online class for class prep 2. Hey guys, English translation, exercise number 16, page number 14. Your next class of English online for class prep 2 shall be conducted by tomorrow same time. Till then, all students of class prep 2, goodbye and take care.